दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आप अपने BMW को घर पे ही स्कैन कैसे कर सकते हो एंड जो फॉल्ट कोड आपकी गाड़ी में होंगे उनको घर पे ही आप क्लियर कैसे कर सकते हो। और ये सॉफ्टवेयर एक डीलर सॉफ्टवेयर है तो ये सिर्फ बना ही BMW के लिए है। सो ये सॉफ्टवेयर मैंने कुछ महीने पहले एक eBay सेलर से लिया था। उसने अराउंड 10,000 चार्ज किए थे मेरे से, बट ये अभी तक का 2019 तक का जो फाइनल अपडेट आया है वो है ये सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर की बहुत ज्यादा पायरेटेड कॉपी भी आपको शायद नेट पे मिल जाए अगर आप ढूंढोगे तो, बट वो बहुत आउटडेटेड वर्जन्स होते हैं। सो इस सॉफ्टवेयर के लिए हमको एक केबल चाहिए होगी जो हमारे गाड़ी के OBD2 पोर्ट में लगेगी ऐसी, एंड ये केबल है USB वाली एज यू कैन सी। बट इस केबल से आप पुरानी जनरेशन ई सीरीज या उससे पुरानी जो भी सीरीज है वो आप इससे स्कैन कर सकते हो, बट जो न्यू सीरीज है F सीरीज, F10, F01 जो भी है, उसके लिए आपको ये वाली केबल चाहिए होगी जिसके अंदर पीछे ईथरनेट का पोर्ट होगा एंड इससे आप इस गाड़ी को स्कैन कर सकते हो। सो ये दोनों केबल्स मैंने Amazon से ऑर्डर करी थी, इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा इन दोनों केबल्स का। सो चलो मैं आपको अपनी गाड़ी स्कैन करके दिखाता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, आप कैसे स्कैन करोगे एंड कैसे आप अपने फॉल्ट कोड्स को देखोगे। सो आप कोई भी कनेक्टर डिस्कनेक्ट करते हो अपनी BMW में एंड दोबारा कनेक्ट भी करते हो उसको, तो जो एक बार मिसकम्युनिकेशन होता है उसके अंदर BMW उसको एक फॉल्ट मेमोरी में स्टोर कर लेती है। एंड हो सकता है जब आप ये स्कैन करो अपनी गाड़ी में तो आपको 25-30 कोड्स आ जाएं, एकदम से एरर कोड्स आ जाएं, बट उसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। जो टेम्पररी कोड्स होंगे जैसे ही फॉल्ट मेमोरी क्लियर करोगे आप, तो जो रैंडम कोड्स होंगे वो अपने आप इरेज हो जाएंगे एंड जो परमानेंट वाले कोड हैं वो रह जाएंगे सिर्फ। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। इसके अंदर आप बहुत चीजें कर सकते हो यार। आप इसमें अपनी बैटरी को रजिस्टर कर सकते हो, जैसे नई बैटरी लगाई तो उसको पहले रजिस्टर करना पड़ता है, नहीं तो वो चलती नहीं है। अगर आपने स्टेयरिंग रैक लगवाया है तो उसको रजिस्टर कर सकते हो। सो आज मैं इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा इस सॉफ्टवेयर को। अगर आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में और जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताओ एंड मैं आगे वीडियोस बना दूंगा। सो आज हम बात करेंगे कि आप अपने OBD पोर्ट से अपने लैपटॉप में कनेक्शन कैसे लोगे इस केबल के थ्रू, एंड इस सॉफ्टवेयर से डायग्नोज कैसे करोगे आप अपनी गाड़ी को, एंड जो अगर फॉल्ट कोड्स हैं उनको क्लियर कैसे करते हैं। सो अगर कोई चेक इंजन की या कोई भी लाइट आ रही है उसको पता चल जाएगा हमको कि उस गाड़ी में दिक्कत क्या है। सो मेरी गाड़ी में इतने फॉल्ट कोड आने नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को एक पता है कि कंट्रोल यूनिट है जो कि ग्लो प्लग्स का होता है, वो मुझे ऑलरेडी बदलना था बट वो ऐसे लॉकडाउन की वजह से अब मैं नहीं बदल सकता। सो जहाँ पे हमारा रेस पेडल होता है उसके जस्ट पीछे एक OBD का एक कवर होगा, इसको जैसे ही खोलोगे तो ये है OBD2 पोर्ट। अब इसके अंदर आप इसको लगाओगे। सो आप गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हो बट इसको जस्ट इग्निशन पोजीशन में भी रख के छोड़ सकते हो। सो मेक श्योर कि आपका लैपटॉप चार्जिंग पे लगा हुआ है जब आप स्कैन करो अपनी गाड़ी को, ताकि कोई बीच में दिक्कत ना आए आपके लैपटॉप की बैटरी में। सो यहाँ पर आपको न्यू में जाना है एंड रीड आउट व्हीकल डेटा एंड नीचे जाके यहाँ कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आपको अपनी ईनेट केबल को सिलेक्ट करना है, सेटअप कनेक्शन। सो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी का नाम देख सकते हो 525D N57 इंजन F10 चेसी। सो ये जितने भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सारे गाड़ी के मॉड्यूल्स हैं। सो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये सारे मॉड्यूल्स को प्रॉपरली स्कैन करेगा फॉल्ट कोड्स के लिए। सो ईबे पे बहुत सारे सेलर्स हैं जो इस सॉफ्टवेयर को फिलहाल बेच रहे हैं, उनके रेट्स अराउंड 10,000 से लेके 25,000 या 30,000 तक है इस सॉफ्टवेयर के लिए। वो बंडल्स बना के बेचते हैं, मतलब हार्ड डिस्क में डाल के ऑलरेडी आपको सॉफ्टवेयर दे देंगे या फिर सारे केबल साथ दे देंगे। कई लोग आईकॉम साथ देते हैं, वो शायद 40-50 हज़ार का होता है, बट मैंने ये सॉफ्टवेयर यहाँ से इनसे 10,000 का लिया था जो कि बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है जो इसका अभी तक आया है। एंड जो ये दोनों केबल्स हैं वो मैंने Amazon से ऑर्डर की थी, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इन दोनों केबल्स का। सो इस सॉफ्टवेयर को आप कोई ऑथेंटिक वेबसाइट से या कोई ऑथेंटिक eBay सेलर से ही लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग स्कैम भी करते हैं इसमें, तो आप उस चीज का भी ध्यान रखना। एंड पुराने वर्जन जो कि पायरेटेड वेबसाइट पे मिलेंगे उसको तो मत ही यूज करना यार, अपनी गाड़ी में कहीं कोई दिक्कत हो जाए। एंड आई डू नॉट रेकमेंड कि आप यही सॉफ्टवेयर अभी जाके इसको डाउनलोड कर लो एंड यूज करने लग जाओ। दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग एंड अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो BMW पे सिर्फ यही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सो स्कैन खत्म होने के बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड को आप डिस्प्ले फॉल्ट मेमोरी पे क्लिक करोगे एंड उसके बाद जो ये 2-3 एरर आए हुए हैं, ये वाला मेरे को पता है ये आता ही है इसके अंदर लाइन प्री हीटिंग यूनिट कंट्रोल मिसिंग, एंड ये कंट्रोल यूनिट होती है ग्लो प्लग्स के लिए। सो अब इन फॉल्ट मेमोरी को क्लियर करने के लिए नीचे डिलीट फॉल्ट मेमोरी पे क्लिक करोगे
एंड यस, सो अब ये जितने भी फोल्ड्स आए थे हमारे में जो परमानेंट नहीं होंगे वो अपने आप डिलीट हो जाएंगे। सो आप इतनी महंगी गाड़ी लेते हो यार, तो उसके ऊपर कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना ही है तो कोई अच्छी वेबसाइट या फिर कोई रेप्यूटेबल सेलर है उससे ही लेना इसको। सो अगर आप कोई पायरेटेड वर्जन इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो या फिर कोई आउटडेटेड वर्जन यूज़ करते हो एंड कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ मेरे को मैसेज मत करना। एंड ऐसे स्टीयरिंग अपने आप ऊपर चला जाएगा जब ये फॉल्ट मेमोरी डिलीट करेगा एंड अपने आप ऐसे स्टार्ट हो जाएगा जब फॉल्ट मेमोरी ऑलमोस्ट डिलीट हो जाएगी। सो अगर हम बाहर से कोई स्कैनर लेते हैं कोई भी कंपनी का, चाहे वो कितना ही महंगा हो, आप उससे अपनी गाड़ी के सारे फंक्शंस को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। ये सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर BMW का है एंड इससे सब कुछ कर सकते हो जो एक BMW में पॉसिबल है। सो आप अगर फॉल्ट कोड को खोलोगे तो आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा कि इस फॉल्ट में दिक्कत क्या है। अब यहाँ पे नीचे बताया हुआ कि चेक फ्यूजेस। सो एक वीडियो बनाई थी मैंने 2-3 दिन पहले, उसके अंदर मैंने एक ब्लोन फ्यूज देखा था, तो ये शायद उसका एरर है कि चेक फ्यूजेस। एंड दूसरा ये कंट्रोल यूनिट का तो मेरे को पता ही था है ही ये। जो तीसरा कोड था वो टेम्परेरी कोड था, वो अपने आप डिलीट हो गया। सो ऐसे आप अपनी गाड़ी को घर पे ही स्कैन कर सकते हो एंड उसके कोड्स को डिलीट कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर कुछ और आता जैसे सिलेंडर वन मिस फायर या फिर ग्लो प्लग्स, तो हमको पता है कि भाई वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है गाड़ी में, तो हम वो पार्ट को बदल देंगे। ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि ये खराब हो गया वो खराब हो गया, इस पर प्रॉपरली आ जाएगा कि क्या खराब हुआ है, उसको आप बदल सकते हो। सो यार ये थी एक बहुत ही क्विक वीडियो आपको बताने के लिए कि ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है एंड आप घर पे ही खुद स्कैन कैसे कर सकते हो अपनी गाड़ी को। सो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 10,000 इस सॉफ्टवेयर के लिए थोड़े ज़्यादा हैं, बट अगर आप मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जब जब मैं गाड़ी को स्कैन कराता था पहले, मेरे को 1,000 से 1,500 रुपये देने पड़ते थे जस्ट स्कैन करने के लिए। सो अगर गाड़ी को आप 10 बार भी स्कैन करवा रहे हो तो 10,000 से ऊपर हो जाता है वो। और मेरे को इस गाड़ी को 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो मैंने पता नहीं कितनी बार स्कैन कराया होगा। एंड छोटे छोटे फंक्शंस के लिए जैसे बैटरी को रजिस्टर करना या और छोटे छोटे जो फंक्शंस हैं उनके लिए मैंने बहुत ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं कोड कराने के लिए, जो कि मैं इस सॉफ्टवेयर से आराम से कर सकता हूँ घर पे। सो दिस इज़ अ इन्वेस्टमेंट अगर आप BMW रखना चाहते हो या आप लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो। सो ये सॉफ्टवेयर सिर्फ BMW और मिनी कूपर्स के लिए है। सो इससे आप और कोई गाड़ी को नहीं स्कैन कर सकते, बट आपकी BMW के जितने मॉड्यूल या जो जो फंक्शंस इस सॉफ्टवेयर से आप कर सकते हो वो लॉन्च के 30-40 हज़ार लाख रुपए तक के स्कैनर से भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो लगभग गाड़ियों को स्कैन करते हैं एंड ये सॉफ्टवेयर सिर्फ बना ही BMW के लिए है। सो रिमेम्बर, अगर आपके पास एफ चेसी है तो आप ईथरनेट वाली केबल मंगवाओगे, या फिर ई चेसी में कोई गाड़ी है तो आप USB वाली मंगवाओगे। सो आगे से दोनों सेम है OBD2 पोर्ट इनका। सो यार आज के लिए बस इतना ही। नीचे कमेंट करके बताओ इस सॉफ्टवेयर के बारे में और जानना चाहते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें कर सकते हो आप। तो चलो यार, आप लोग ध्यान रखो, घर पे रहो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।